लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। ओके सो इट वॉज अ चैप्टर लेफ्ट फॉर डेड। ये मैं आपको एक बार समराइज वे में बता देती हूँ। लेफ्ट फॉर डेड दैट मीन्स कि किसी को लिए, किसी को मरने के लिए छोड़ देना। तो उस चैप्टर में कल हमने रीड किया था कि इसमें जो पर्सन्स बताए गए हैं, डैनियल माजूर्स और उनके टीममेट्स जो थे एंड्रयू ब्रैश और माइल्स ऑसबर्न, ये गए थे माउंट एवरेस्ट के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे चढ़ने के लिए। उसके बाद उन्होंने देखा कि वहाँ पे कोई, रास्ते में जब वो चढ़ रहे थे तब उन्होंने देखा कि कोई एक पर्सन है जिसको वो जानते तो नहीं है, पर उनका नाम हमें इस चैप्टर में बताया गया था लिंकन हॉल। और लिंकन हॉल जो थे वो भी माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए गए थे, लेकिन वो हाईएस्ट पॉइंट पे जाके आ चुके थे और वो नीचे की तरफ आ रहे थे। सो जब वो नीचे आते हैं तो वहाँ पे, क्योंकि लिंकन हॉल जो थे वो एक सीजन्ड क्लाइमर थे। सीजन क्लाइमर का मीनिंग मैंने आपको कल बता दिया था कि सीजन क्लाइमर वो होते हैं जो मतलब शौक के, अपने एक्सपीडिशन करने के लिए माउंटेन्स पे जाते हैं। मतलब रोज का उनका काम नहीं होता है। जैसे शेरपा जो गाइड्स थे वो तो, उनकी तो आदत थी माउंटेन चढ़ने के लिए, क्योंकि वो लोगों को गाइड करते हुए, जो माउंट एवरेस्ट पे जाना चाहते हैं उनको गाइड करके वहां पे ले जाते हैं। ये लिंकन हॉल जो थे ये एक सीजन्ड क्लाइंबर थे, और इनको यहाँ से न्यूज़ मिली थी हाई कैंप से कि एक डेंजरस स्टॉर्म आने वाला है आफ्टरनून में। तो वो हाईएस्ट, क्योंकि लिंकन हॉल और उनकी टीम, उनके टीममेट्स जो थे वो हाईएस्ट पॉइंट पे जाके नीचे की तरफ आ रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि लिंकन हॉल जो है उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। उनके फीट जो थे वो उसके थ्रू चल भी नहीं पा रहे थे, और वो चाहते थे कि अब वो थोड़ी देर बैठ के रेस्ट कर ले। तो उनके जो टीममेट्स थे वो उनको बहुत इंसिस्ट करते हैं कि नहीं, यहाँ पे बहुत डेंजरस स्टॉर्म है और आप नहीं रह पाओगे, तो आपको चलना चाहिए। पर उनकी कंडीशन बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी और वो कॉपरेट नहीं कर सके, और इसीलिए उनके जो टीममेट्स थे उनको लिंकन हॉल को वहीं पे छोड़कर जाना पड़ा। अब लिंकन हॉल के जो टीममेट्स थे वो उनके ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, जब आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो तो आपको हाई एल्टीट्यूड पे जाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत लगती है। तो उनके टीममेट्स जो थे वो उनका ऑक्सीजन और जितनी भी उनकी चीजें थी, उनका बैकपैक और ये सब लेके नीचे की तरफ चले गए उनको वहीं छोड़ के। तो माजूर और उनके टीममेट्स ने देखा कि कोई पर्सन है जो हाई क्लिफ पे बैठा हुआ है, और वो, उसके पास ना तो हैट है, ना हैंड ग्लव्स है, ना सन ग्लासेस है, कुछ भी नहीं है। तो ऐसे एटमोसफियर में किस तरह से वो पर्सन सरवाइव कर रहा है? तो माजूर जो है वो देखने के लिए जाते हैं कि मतलब ये पर्सन कौन है, और इस तरह से तो ये मर जाएंगे अगर यहीं पे इस कंडीशन में रहे। तो वो चेक करने के लिए जाते हैं उनको, एंड देन ही फाउंड दैट ही वॉज लिंकन हॉल। उनको पता चलता है कि इनका नाम लिंकन हॉल है, और क्योंकि इनकी तबीयत ज्यादा खराब हो चुकी थी तो इनके फ्रेंड्स इनको यहीं पे छोड़कर चले गए। अब डैनियल माजूर और उनके टीममेट्स जो थे, डैनियल माजूर सेकेंड टाइम माउंट एवरेस्ट पे जा रहे थे, और उनके टीममेट्स जो थे एंड्रयू ब्रैश और माइल्स ऑसबर्न, दे वर गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। सो दे डोंट हैव अ चॉइस। सबसे पहले तो वो चाहते थे कि उन्होंने अपने एक्सपीडिशन पे इस एंजॉय माउंट एवरेस्ट को के हाईएस्ट पॉइंट पे जाने के लिए, जब इतने एक्सपीडिशन पे इतने खर्चे लगाए हैं, इतने पैसे लगाए हैं, तो वो चाहते थे कि ये पूरा करें। लेकिन उनके पास वो, डैनियल माजूर जो थे वो नहीं चाहते थे कि वो किसी पर्सन को ऐसी मरने की हालत में छोड़ के, लेफ्ट फॉर डेड। यहाँ पे आपको चैप्टर का नाम के बारे में पता चलेगा कि इस चैप्टर का नाम लेफ्ट फॉर डेड क्यों है, क्योंकि डैनियल माजूर जो थे वो नहीं चाहते थे कि वो उनको यहाँ पे लिंकन हॉल को इस कंडीशन में छोड़ के जाएं, अपने एक्सपीडिशन के लिए, अपने एंजॉयमेंट के लिए वो किसी पर्सन को मरने के लिए छोड़ दें। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम, जब तक हेल्प नहीं आ जाती, जब तक लिंकन हॉल को यहाँ से ले जाने के लिए कोई नहीं आ जाता, तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। सो द थ्री ऑफ देम, दैट मीन्स डैनियल माजूर एंड हिज टीममेट्स, हैव डिसाइडेड दिस थिंग कि जब तक कोई हेल्प नहीं आ जाती लिंकन हॉल के लिए, तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। और इसीलिए वो उनकी जो ऑक्सीजन मास्क है और उनके पास जितनी भी चीजें थी, चॉकलेट वगैरह, तो वो सब लिंकन हॉल को दे देते हैं, उनके साथ शेयर करते हैं। नाउ फ्रॉम हियर वी हैव टू कंटिन्यू आवर चैप्टर।
इट वॉज आफ्टरनून वेन अ डजन शेरपाज अराइव्ड टू टेक हॉल्ट डाउन द माउंटेन टू द हाइकिंग. इट वॉज आफ्टरनून, दोपहर का टाइम था. वेन अ डजन शेरपाज अराइव्ड, तब बहुत सारे शेरपाज जो हैं वो आते हैं टू टेक हॉल, हॉल को अपने साथ ले जाने के लिए. डाउन द माउंटेन टू द हाई कैंप, और वो ले जाना चाहते थे उनको माउंटेन से उतार के हाई कैंप में. फ्रॉम देयर ही वॉज टू राइड अ याक टू रीच द बेस्ट कैंप, और हाई कैंप में पहुंचने के बाद वो लोग क्या करते हैं, उनको एक याक पे बिठा देते हैं ऐसे एरियाज में जो माउंटेनियस एरियाज होते हैं जहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा होती है, वहां पे याक का यूज किया जाता है राइडिंग के लिए. ठीक है, सो फ्रॉम देयर ही वॉज टू राइड अ याक टू रीच द बेस्ट कैंप. सबसे पहले तो शेरपास जो है वो लिंकन हॉल को हाई कैंप में ले जाते हैं, और उसके बाद हाई कैंप में ले जाने के बाद वहां से उनको एक याक पर बिठा के और बेस कैंप में भेज देते. माजूर एंड हिज टीममेट्स आल्सो स्टार्टेड देयर जर्नी बैक, और क्योंकि माजूर और उनके टीममेट्स ने ये डिसाइड किया था कि जब तक कोई नहीं आ जाता उनकी हेल्प करने के लिए लिंकन हॉल की, तब तक वो उनको ऐसे अकेला छोड़ के नहीं जाएंगे. तो फाइनली जब शेरपाज उनकी हेल्प करने के लिए आ चुके थे लिंकन हॉल की, तो फिर वो लोग वहां से अपनी जर्नी को कंटिन्यू करने लग गए, क्योंकि उनको एवरेस्ट पॉइंट पे, एवरेस्ट के हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचना था. इट टुक देम 2 days टू मेक देयर वे डाउन, और उनको वापस नीचे आने में 2 दिन का समय लगा. एज सून एज दे रीच द बेस्ट कैंप दे वेंट टू सी हॉल हु वॉज रिक्यूपरेटिंग देयर इन हिज टेंट. एज सून एज दे रीच द बेस्ट कैंप, अब जैसे ही वो लोग माजूर और उनके टीममेट्स नीचे आते हैं बेस कैंप में, दे वेंट टू सी हॉल, तो वो सबसे पहले लिंकन हॉल से मिलने के लिए जाते हैं. हु वॉज रिक्यूपरेटिंग देयर इन हिज टेंट, जो कि रिक्यूपरेट कर रहा था, दैट मीन्स के अपनी हेल्थ को रिकवर कर रहे थे, वो फिर से ठीक होना स्टार्ट हो चुके थे और वो अपने टेंट में थे. हिज वॉइस वॉज शेकी एंड ही वॉज स्लरिंग हिज वर्ड, उनकी वॉइस जो थी वो बहुत शेकी थी क्योंकि वो बीमार थे. जब बीमार इंसान होता है, जब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में होता है, तो उस बहुत ज्यादा जब उसकी कोई प्रॉब्लम बढ़ जाती है, तो उस वजह से वो ठीक से बोल नहीं पा रहे थे. हिज वर्ड्स वर स्लरिंग, उनके वर्ड्स जो है वो लड़खड़ा रहे थे बोलने पे. बट दे कुड क्लियरली अंडरस्टैंड दैट ही वॉज थैंकिंग देम, लेकिन उन लोगों को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई थी, माजूर और उनके टीममेट्स को, कि लिंकन हॉल जो है वो चाहे उनकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, उनके वर्ड्स जो है वो ठीक से सुनाई नहीं दे रहे, पर उनको ये समझ आ गया था कि लिंकन हॉल जो है वो उन तीनों को थैंक यू बोल रहे हैं. लेटर एट होम माजूर टोल्ड अ न्यूजीलैंड न्यूज़पेपर, श्योर आई विश आई कुड रीच द समिट अगेन. अब जब ये लोग माजूर और उनके टीममेट्स जो थे, जब वो लोग सब अपने अपने घर चले गए पूरी जर्नी कंप्लीट करने के बाद, तो माजूर के पास न्यूजीलैंड न्यूज़पेपर से कोई आया और उनसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि मतलब आपके पास 2 choices थी, या तो आप लिंकन हॉल को बचाते, उनकी जान बचाते, या फिर आप अपना उनको मतलब इग्नोर करके अपनी जर्नी कंटिन्यू कर लेते, तो आपने दोनों में से इस चीज को क्यों चुना कि आप लिंकन हॉल को पहले आपने उनकी जान बचाई और उसके बाद आप उन अपने जो माउंट एवरेस्ट पे आप जाना चाहते थे उस पे आपने कंटिन्यू किया. श्योर आई विश आई कुड रीच द समिट अगेन, तो वो बताते हैं कि हाँ मेरे पास मतलब ये ऑप्शन था ना कि अगर मैं चाहता तो मैं दूसरी बार भी उस समिट पे चढ़ने के लिए जा सकता था, वहां पे पहुंच सकता था. बट देयर वॉज नो वे वी कुड लीव लिंकन हॉल ऑन द रिज, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था कि हम लिंकन हॉल को उस कंडीशन में वहां पे उस रिज पे छोड़ के आए. द मीनिंग ऑफ रिज इज अ नेरो एरिया नियर द टॉप ऑफ द माउंटेन, माउंटेन के सबसे टॉप पे जो नेरो एरिया होता है, जैसे माउंटेन क्या होते हैं नीचे से तो ब्रॉड होते हैं, वो चौड़े चौड़े होते हैं, और फिर जैसे जैसे उनकी टॉप पे बढ़ते जाते वो एरिया क्या होता जाता है, नैरो होता जाता है. तो वहां पे उस माउंटेन के टॉप का जो नेरो एरिया था वहां पे लिंकन हॉल बैठे थे, तो हम उनको इस कंडीशन में वहां पे नहीं छोड़ सकते थे. If we would have done that, the odds are that he wouldn't be alive today. अगर हमने ऐसा किया होता, अगर हमने लिंकन हॉल को उस कंडीशन में छोड़ दिया होता, तो शायद हम उनकी जान नहीं बचा, मतलब वो जिंदा नहीं रह पाते, वो मर जाते.
एंड आई वुड हैव टू लिव विद गिल्ट फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ. और मुझे पूरी लाइफ में ये गिल्ट रहता अपनी पूरी लाइफ में कि मैंने एक पर्सन को मरने के लिए छोड़ दिया है. ओके, सो दिस वॉज द चैप्टर. कि यहाँ पे आपको आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर का नाम लेफ्ट फॉर डेड क्यों है. वो इसलिए है कि वो माजूर और उनके टीममेट्स बहुत ही अच्छे पर्सन्स थे. उनकी जो थिंकिंग थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी. उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारा जो एक्सपीडिशन है जिसपे हमने पैसे लगाए हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. उन सारी चीज़ों को वो चाहते थे कि किसी पर्सन की जान बचाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपने एक्सपीडिशन से. क्योंकि माउंट एवरेस्ट पे जो उनको पहुंचना था, उस समिट के जो हाईएस्ट पॉइंट पे उनको पहुंचना था, तो वो तो कभी भी बाद में भी जा सकते थे. लेकिन अगर वो लिंकन हॉल को उस कंडीशन में छोड़ देते तो शायद वो अपनी पूरी लाइफ में ये गिल्ट अपने मन में रखते कि इनकी अगर उनकी डेथ हो जाती तो उनको बिल्कुल भी ये बात अच्छी नहीं लगती. क्योंकि उनको एक चांस मिला था किसी एक अच्छा काम करने का, किसी पर्सन की वो जान बचाएं. सो हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर लेफ्ट फॉर डेड. टुमारो वी विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर. बट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर इन योर फेयर कॉपी. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, इस बार जो आपको नोट्स मिले हैं उसमें आपने आपको क्वेश्चन आंसर्स मिले हैं और वर्कशीट मिली है, तो आपको सबसे पहले हार्ड वर्ड्स लिखने हैं अपनी फेयर कॉपी में. और हार्ड वर्ड्स कौन से लिखने हैं मैं आपको बता देती हूँ. दीज आर द हार्ड वर्ड्स. ये हार्ड वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको आपको वन बाय वन करके लिखना है. ठीक है, दिस फर्स्ट वन इज समिटिंग एंड इट्स आंसर इज टू रीच द हाइएस्ट पॉइंट और पीक ऑफ अ हिल और माउंटेन. सो दीज आर द हार्ड वर्ड्स विच यू हैव टू राइट इन योर फेयर कॉपी फर्स्ट ऑफ ऑल. देन यू हैव टू राइट द क्वेश्चन आंसर्स एंड आफ्टर कंप्लीटिंग क्वेश्चन आंसर्स यू हैव टू राइट वर्कशीट. अंडरस्टूड? इफ यस देन थम्स अप. अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई है तो आप थम्स अप करें. ठीक है, तो इस वे में आपको अपनी कॉपी कंप्लीट करनी है. आपका होमवर्क यही है कि आपको अपनी कॉपी कंप्लीट करनी है. यस्टरडे आई हैव गिवन यू द होमवर्क दैट यू हैव टू लर्न द हार्ड वर्ड्स फ्रॉम दिस चैप्टर. दैट मीन्स यू हैव टू राइट देम टू टाइम्स. ओके, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर एंड टुमारो विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर. तो उससे पहले आप कॉपी कंप्लीट कर लेना. अगर आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि हार्ड वर्ड्स ये है आपकी बुक में, हर चैप्टर में दिए हुए हैं इस बॉक्स में, सारे चैप्टर्स में आपको मिल जाएंगे. तो ये वाले जो हार्ड वर्ड्स है, वर्ड मीनिंग्स है ना, हार्ड वर्ड्स नहीं वर्ड मीनिंग्स, तो इन वर्ड मीनिंग्स को आपको अपनी फेयर कॉपी में लिखना है. और जिनके पास नोट्स नहीं है, वैसे तो स्कूल से आपको नोट्स मिल गए होंगे, जिनके पास नोट्स नहीं है वो स्कूल से आके ले लेना. ओके?